फिस्कल फिस्कल का हमने ये मतलब समझा था बेटा, जब हमने गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन समझी थी तो वहां पर फिस्कल ईयर आया था। फिस्कल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, याद आया? सो ध्यान रहे बेटा, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है वो ये बताता है कि पूरे इस एक ईयर में, मतलब एक कंप्लीट ईयर में गवर्नमेंट को कितना डेफिसिट हुआ है। तो अब इस चीज पे ध्यान रखना, गवर्नमेंट के पास रिसीट के दो सोर्सेज होते हैं, ठीक है? एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। सिमिलरली गवर्नमेंट के पास बेटा एक्सपेंडिचर के भी दो ही सोर्स होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। मानते हो सारे बच्चे इस बात को? क्या हुआ? मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप नोटिस करो तो डेफिसिट का मतलब ही यही होता है बेटे कि जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट। अब हम बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी फिस्कल मतलब पूरे कंप्लीट ईयर का। सो बेटा कंप्लीट ईयर में दो ही एक्सपेंडिचर होते हैं, कंप्लीट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा फिर? टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। सिमिलरली टोटल रिसीट के अंदर भी दो रिसीट्स होती हैं, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। सो द पॉइंट इज, इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीट देन दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। यानी अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट तो हम उसे बोलेंगे बेटा फिस्कल डेफिसिट। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया सारे? अर्पित एंड चेतन ने आप दोनों लोग? अब एक पॉइंट और समझना बेटा, यहां पर एक और चीज लिखा है कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। उसके बाद एक पॉइंट लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरिंग। मतलब ये बेटा कि जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो उसके अंदर हम बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज अगर आप देखो तो बोरिंग्स हमारे लिए एक टाइप का कैपिटल रिसीट होता है कि नहीं होता है सारे बच्चे? बट द पॉइंट इज कि जो बोरिंग्स होता है बेटा वो हमारे लिए जो कैपिटल रिसीट है उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले ईयर्स में पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए लाइबिलिटी इंक्रीज कर देता है और बाद में फिर हमारे एसेट को रिड्यूस करेगा। तो सिंस ये फ्यूचर टर्म्स के लिए होता है तो इसीलिए हम बोरिंग्स को क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। यानी इस फॉर्मूले के अंदर हम बोरिंग्स को कभी भी यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आई? अब इसका एक अजम्पशन है, पहले वो ध्यान से समझ लेना। मान लो बेटा, अब इस पे ना एक पॉइंट है, वो ध्यान से समझना जरा। आप लोग सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पॉइंट ये है बेटा कि अगर आपको क्वेश्चन में टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट गिवन है, टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स गिवन है बेटा, तब तो आप क्या करोगे? टोटल पेमेंट में से टोटल रिसीट को डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। बट मान लो आपको क्वेश्चन में टोटल रिसीट या टोटल पेमेंट इन दोनों इंफॉर्मेशन में से कुछ नहीं गिवन है और आपको क्या गिवन है? सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन होगा? बोरोइंग्स। तब ध्यान रखना बेटा, जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा क्या बन जाएगा? बोरोइंग्स बन जाएगा। क्योंकि बोरोइंग्स की वजह से बेटा गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और गवर्नमेंट के लिए वो एक डेफिसिट क्रिएट करेगा। बात समझ में आई सब बच्चों को? एवरीवन सारे सारे ठीक? तो मतलब ये है बेटा कि फिस्कल डेफिसिट का अगर हम फॉर्मूला देखें कि क्या क्या बन सकता है, तो अब जरा ध्यान से देखना। फिस्कल डेफिसिट का पहला फॉर्मूला तो ये बनेगा बेटा कि टोटल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस
टोटल रिसीट्स। और अगर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश करें तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलके क्या बन जाएगा, राइट, माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, ऐसा कर सकते हैं। सारे बच्चों को समझ में आया। और एक इसका तीसरा जो कि एजम्पशन फॉर्मूला है, दैट इज अगर क्वेश्चन में बोरिंग्स गिवन हो तो बोरिंग्स हमेशा हमारे लिए क्या होती है, भाई सारे बच्चों को क्लियर हुआ, अभी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं बेटा, अभी अच्छे से लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं बेटा, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सो फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, यानी बोरिंग्स उस टाइम पे इंक्लूड नहीं होगा ड्यूरिंग गिवन फिस्कल ईयर, दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, पहला पॉइंट जो हमें ध्यान से समझना है कि क्या क्या फिस्कल डेफिसिट के मेन सोर्सेज होते हैं, किसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट होता है। पहला ही पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, बोरिंग्स, तो मतलब अगर क्वेश्चन में बोरिंग्स गिवन है तो हमारे लिए क्या हो जाती है, फिस्कल डेफिसिट हो जाती है। दैट मीन्स फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेट बाय बोरिंग्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज और द एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब आपने बेटा बोरिंग्स कहीं से भी कलेक्ट किया हो, इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स से, हमेशा वो आपके लिए क्या होगा, एक फिस्कल डेफिसिट ही होगा। क्लियर? यस बेटा बोलो। उस चीज में ना एक कोइंसिडेंस वाली पार्ट होती है, मतलब बात होती है कि जब आप टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट माइनस करोगे तो उसकी वैल्यू बोरिंग्स के इक्वल आएगी, तो मतलब आप बोरिंग्स की वैल्यू लिखो या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट लिखो, हमेशा वो आपका फिस्कल डेफिसिट ही आएगा। बट ध्यान रहे, अगर बोरिंग्स मेंशन है तो आपको उतने बड़े फॉर्मूले की यूज नहीं है, बोरिंग्स इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट सीधे सीधे असम्पशन लिख करके डिनोट कर देना। ठीक, ओके। सो पहला सोर्स होता है बेटा बोरिंग्स का, दूसरा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये है बेटा कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी बेटा, उन्होंने पैसा बोरो किया होगा लेट से आरबीआई से, और उसके बदले में अपनी सिक्योरिटीज वहां पर रखी होगी। ध्यान रहे, उसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास से जो फंडिंग्स का प्रोसेस होता है वो और डेफिसिट में चला जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बेटा क्या कर रही है, अपनी मतलब आरबीआई से पैसा बोरो कर रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से उनके एसेट डिक्रीज होंगे, तो गवर्नमेंट के लिए वो एक किस टाइप का फाइनेंसिंग होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, क्योंकि पैसा आया जरूर बट जब आप रिटर्न करोगे तो आपको ज्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्लियर? सारे ओके। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा इसके इम्प्लीकेशंस पे। ठीक है, सबसे पहला इंप्लीकेशन क्या है, डेट ट्रैप। देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है अगर हमने बोरिंग्स की बेटा, अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर इज हायर देन टोटल रिसीट, तो उस केस में बेटा एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि हमें पैसा बोरो करना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा पैसा बोरो करेंगे बेटा उतना ही हमारे ऊपर डेट क्रिएट होता चला जाएगा, आई मीन लाइबिलिटी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट डेट ट्रैप के अंदर फंसती चली जाती है। बात समझे सारी चीज? दूसरी चीज बेटा, उसकी वजह से होता क्या है बेटा कि जब फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तो गवर्नमेंट बेटा अगर आरबीआई से पैसे बोरो करती है तो फिर आरबीआई को बेटा उस केस में मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा करेंसीज को इश्यू करना पड़ता है। जितना ज्यादा करेंसी इश्यू करेगी उतना ही ज्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज होगा बेटा, और प्रोडक्ट की प्राइसिंग उतनी ही ज्यादा कॉस्टली यानी इंक्रीज होती चली जाएगी।
जिससे मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। एक एग्जांपल समझो आप इस चीज पे, मान लो मैं आरबीआई हूं, ठीक है, अब आप लोग गवर्नमेंट हो, आप लोगों ने मुझसे पैसा बोरो कर लिया, तो मेरे पास क्या हो गया बेटा, फंडिंग्स की कमी हो गई, मतलब नोट सब कम हो गए मनी सप्लाई के लिए। तो आरबीआई यानी मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा और करेंसीज इशू करूंगा जिससे मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो उस केस में क्या होगा बेटा, लोगों के पास ज्यादा मनी आएगी, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और बेटा अगर एक्सेस डिमांड यानी डिमांड इज एग्रीगेट, डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो उस केस में मार्केट में क्या क्रिएट हो जाता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बात समझे सारे बच्चे? ठीक है। देन फॉरेन डिपेंडेंस, बेटा अगर गवर्नमेंट ने सॉरी गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्री से, ठीक है, विच रेजेस इट्स लाइबिलिटी, बेटा गवर्नमेंट ने अगर सपोज करो फॉरेन कंट्री से पैसा बोरो कर लिया, तो अगेन गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा, डेट, ठीक है, दैट इज लाइबिलिटी। और उसकी वजह से बेटा आने वाले फ्यूचर में क्या हमारी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो हैम्पर हो जाएगी। तो इम्प्लीकेशन आप लोग को समझ में आए सारे बच्चों को? एवरीवन? ओके, अब जरा इधर देखना बेटा, देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये कि आपके एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन आपके रिसीव्स, मतलब आपके टोटल एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन टोटल रिसीव, यही मतलब होता है। उसकी वजह से गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में चला जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है, बजट के पास रेवेन्यू कम है। फिर बेटा उस केस में फिर हमें पैसा बोरो करना पड़ेगा, बेटा जितना पैसा बोरो करेंगे उतना ज्यादा हमारे ऊपर डेट इंक्रीज हो जाएगा। देन बिकॉज ऑफ दैट जो इम्प्लीकेशंस होती है बेटा, सबसे पहले हमारे ऊपर डेट ट्रैप इंक्रीज हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई से पैसा बोरो किया तो आरबीआई को ज्यादा करेंसीज इशू करनी होगी जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, तो मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। अगर कंट्री फॉरेन डिपेंडेंस पे हो जाती है तो फॉरेन कंट्री से बोरो करने पे भी आपके ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड ओवरऑल जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, हमारा फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर कर जाएगा। बात समझे सारे बच्चे? तो सारे बच्चों को फिस्कल डेफिसिट अच्छे से क्लियर? एवरीवन, अब देखो प्राइमरी डेफिसिट हमारा लास्ट डेफिसिट होता है। मैं ना इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं, उससे पहले हमें जो जरूरत है समझने की, वो जरूरत है हमें फिस्कल, ये फॉर्मूला समझने की जरूरत है। अगर आप देखो तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है बेटा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर रहे हैं। तो पहले इसका एक एग्जाम्पल हो जाए, देखो ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। मान लो गवर्नमेंट ने 2017 में पैसा क्या किया, बोरो किया, जिसपे गवर्नमेंट को बेटा हर साल, मतलब हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, तो मतलब उन्होंने 2018 में भी पे किया, 2019 में भी पे किया, ठीक है, सिमिलरली 2020 में भी पे किया, और वो 2021 में भी क्या कर रहे हैं बेटा, पे कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट इस साल भी पे किया है तो गवर्नमेंट के लिए एक एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं? अब एक और चीज बताओ बेटा, क्या ये एक्सपेंडिचर इस साल का एक्सपेंडिचर है या पुराने साल की बोरिंग्स का एक्सपेंडिचर है? माय पॉइंट इज कि हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज करेंट ईयर एक्सपेंडिचर या प्रीवियस ईयर के बोरिंग्स का एक्सपेंडिचर है? प्रीवियस ईयर का है, तो मतलब वो एक्चुअल में हमारा करेंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसीलिए जब हम प्राइमरी डेफिसिट निकाल रहे हैं तो हमें फाइंड आउट करना होता है द एक्चुअल एक्चुअल डेफिसिट ऑफ करेंट ईयर, ऑफ करेंट फिस्कल ईयर। तो हम क्या करते हैं बेटा,
हमारा जो टोटल डेफिसिट आया होता है, दैट मींस फिस्कल डेफिसिट आया होता है, हम उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है दैट एक्सपेंडिचर वो करंट ईयर को नहीं बिलोंग करता बल्कि प्रीवियस ईयर की बोरिंग्स को बिलोंग करता है। तो अगर हमने टोटल एक्सपेंडिचर में से प्रीवियस ईयर के बोरिंग्स का एक्सपेंडिचर हटा दिया तो हमें हमारे इस साल का प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। पहले बताओ बात समझे एवरीवन, सारे चलो जी अब एक बार इसकी लैंग्वेज देख लेते बेटा। सो प्राइमरी डेफिसिट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन विच बोरिंग्स, प्रीवियस बोरिंग्स। ठीक है, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, फिस्कल डेफिसिट में से हम क्या माइनस कर देंगे। ओके, अब इसके अगर आप इंप्लीकेशन, अच्छा इंप्लीकेशन से इंप्लीकेशन देखनी है ना, रुको, इंप्लीकेशन अगर आपको देखनी हो बेटा तो इंप्लीकेशन क्या लिखा है, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरिंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंस अदर दैन द इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब इस साल इंप्लीकेशन ये शो करता है प्राइमरी डेफिसिट का कि इस साल हमारा जो टोटल एक्सपेंस है वो एक्चुअल में कितना है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो हमारी प्रीवियस बोरिंग्स होता है। तो अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट बाकी हमारे इस साल के टोटल कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, बात समझ में आई? ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरिंग्स मेड इन द पास्ट। यानी जो हमने पहले पिछले सालों में जो हमने कोई बोरिंग्स की थी उसका अगर इंटरेस्ट हम हटा दें तो हमें हमारा प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। क्लियर? एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका बेटा, वो सुन लेना आप लोग, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट जो कि पहले साल का रहा होगा हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। मतलब अगर इस समय प्राइमरी डेफिसिट लो है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास डेफिसिट कम हो गया है तो वो चाहे तो पैसा बोरो कर सकती है। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ एवरीवन। ना, अब हम आते हैं बेटा जरा फॉर्मूलेज पे, फॉर्मूलाज का। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है, पहले एक बार आप इसको नोट करेंगे बेटा फिर मैं इसके डिटेल बताता हूं, एक एक करके देखना जरा सारे बच्चे। देखो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है बेटा, आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस कर दोगे, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ करेक्ट, सो मतलब ये कि आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में से अगर रेवेन्यू रिसीट को डिडक्ट कर दो तो जो डेफिसिट क्रिएट हुआ दैट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर? सिमिलरली बेटा अगर आपको फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना है, सो फॉर्मूला इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, यानी बोरिंग्स को छोड़ करके अगर टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट गिवन है, सो टोटल एक्सपेंडिचर से अगर हमने टोटल रिसीट माइनस कर दिया तो वो हमारा आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। क्लियर? और क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा कि टोटल एक्सपेंडिचर के बजाय मैं ऐसा लिख सकता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसीट की जगह मैं ऐसा लिख दूं कि रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, पॉसिबल है? ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट माइनस करते हो तो उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर? सारे और अब बेटा इन केस अगर हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, बोरिंग्स गिवन है और अदर इंफॉर्मेशन जो नहीं गिवन है, तो फिर बोरिंग्स ही हमारी क्या बन जाएंगी,
फिस्कल डेफिसिट। एंड द लास्ट पॉइंट, प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है, हम अपने फिस्कल डेफिसिट में से क्या माइनस कर देंगे? अगर सारे बच्चे क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। चलो जी, हमारे संदीप का के कुछ क्वेश्चंस है बेटा, हम इनको करते हैं। रुको, सबसे पहले तो तुम लोग ना बहुत चालू हो, रुको, सबसे पहला काम तो ये रहेगा, रुको, सब आंसर निकल जाता है फिर सबका, ऐसा मैं करने ही नहीं दूंगा। हाँ जी, अब बताओ, अब क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं। देखो, इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 40 करोड़। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, डायरेक्टली रेवेन्यू डेफिसिट ही गिवन है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ जरा। माइनस रेवेन्यू रिसीव, क्लियर? ठीक है, सो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। हमें रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा 40 करोड़, चलो हमने यहां लिख दिया 40 करोड़ इज इक्वल टू, इफ रेवेन्यू रिसीट्स आर हाउ मच, अच्छा, और कैपिटल रिसीट गिवन है 60 करोड़, और हमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस एक बात बताओ, क्या यहां पर कैपिटल रिसीट का कोई भी रोल है? भाई हमें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, तो रेवेन्यू रिसीट गिवन है 90 करोड़, हमें फाइंड आउट करना है बेटा, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट गिवन है 90 करोड़, वी हैव टू फाइंड आउट रेवेन्यू एक्सपेंस। बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये माइनस के इधर जाके प्लस हो गया, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 90 + 40, दैट इज 130 करोड़। क्लियर? बहुत सिंपल था। सिंपल था कि नहीं था? ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, एंड आई एम गिविंग ओनली 5 मिनट्स। शुरू हो जाओ बिल्कुल रफ्तार में सारे बच्चे।